नमस्कार, दुम हिला। हम पहले आप लोगों के लिए दुआ करेंगे कि जो शादीशुदा हैं उसको चार और सेट हो जाए और जो कुंवारे हैं उसको परसेंट वाली भागे और परमानेंट वाली आवे। अब देखिए, अब हम अपना किस्सा शुरू करते हैं। एक दिन हम अपने दरवाजे पर बैठे थे, एक लड़का और एक लड़की रगड़ा कर रही थी। हमने बोला, रगड़ा क्यों कर रही हो, झगड़ा कर लो, हम लोगों को देखने में भी मजा आएगा। तो लड़का बोला, सर हम कहते हैं हम में टैलेंट बेसी है और ये मार्केट वाली कहती है हम में भी उसी टैलेंट। हमने कहा ठीक है, हमें समय तो, हम दोनों का फैसला करेंगे। दोनों राजी हो गया। तो हमने एक दिन लड़का से पूछा, क्या कर रहे हो? तो लड़का जवाब दिया, सब्जी बना रहे। हम वहाँ गए देखने, तो हमने देखा चाकू वहाँ रखा हुआ है और टमाटर को हाथ से तोड़ रहा है। हमने कहा, यही है आपका टैलेंट? उसने कहा, समझते नहीं है सर, इसको यदि हम चाकू से काटेंगे तो सब रस तो नीचे गिर जाएगा, तो यदि हम इसको हाथ से तोड़ते हैं तो हाथ से चाट भी लेंगे हाथ वाला रस, मतलब रस बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो हमने सोचा, चलो यार, लड़का का टैलेंट देख ली तो लड़के का भी टैलेंट देखें मार्केट वाली का। तो उसके पास गए, हम सोचे यार सुबह का समय है, थोड़ा मुँह धो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कहीं। तो लड़की को बोले, उसी को जो थोड़ा हमारा ब्रश ले आओ। तो ब्रश हमारे जूता में ढूंढने चली गई। हमने कहा, ये तो बहुत बड़ा टैलेंटेड है। तो उनसे कहा, वो बोली, यहाँ ब्रश नहीं है आपका। वो बोली, ब्रश नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा, जुराब भी रखा हुआ है वहीं, उसमें भी ढूंढ लो। तो हमें लगा, यार टैलेंट तो भाई मार्केट वाले में ज्यादा है। तो हमने एक डिसीजन निकाला, यार गांव से लेकर मार्केट तक पूरा तो टैलेंटेड भरा हुआ है, तो क्यों ना पूरा इंडिया को घोषित कर दिया जाए टैलेंटेड में। तो हमने पूरा इंडिया को घोषित कर दिया टैलेंटेड में। मजा ही कुछ और। एक दिन फिर हमने एनालिसिस किया कि लड़कियां लोग टिकटॉक पे, मोज पे, इंस्टाग्राम पे इतना वायरल क्यों होती है। तब हमें पता चला कि भगवान ने ही इन लोगों को दिखाने वाला वो टैलेंट दिया है जो लड़का चाहकर भी नहीं दिखा सकता। ये कुछ और है ब्याज के। ओके, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।